my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स अ बॉय मयंक, और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको अपनी नई वीडियो में। और जैसा कि आप लोग आसपास देख पा रहे होंगे कि बरसात का मौसम मतलब मॉनसून चल रहा है और रेनी सीजन है, तो मैं आज आपको लिए स्पेशल वीडियो कवर करने वाला हूँ जो कि अपने होने वाली है। ये अपन वाइपर के जो इतने सारे कंट्रोल दे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा क्या क्या काम आता है और कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो आज हम मेनली ये मॉनसून सीजन में मैं आपको ये इसके वाइपर के सारे कंट्रोल बताऊंगा। तो आप देखिए कि कैसे काम करते हैं ये और क्या इनका रिस्पांस रहता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमें हुंडई वेन्यू में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिल लेते हैं, जो कि एक डाउन साइड है, सभी राइवल्स में मिल रहे हैं, तो इसमें भी दे दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा फीचर भी नहीं है कि ना दें, उससे कोई ज़्यादा पैसे लगें तो आफ्टर ऑल वो नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आपका नॉब है, आप इससे ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं वेरिएशन, अगर आप एक ही साइड डाउन करके रखें तो। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे। अगर आप इसको एक ही बार डाउन करके रखोगे और अगर आपको इंटेंसिटी मतलब वाइपर तेज तेज घूमे तो आपको सबसे ऊपर करके रखना होगा, और अगर आपको इंटेंसिटी कम चाहिए या बारिश के हिसाब से मतलब बारिश कोई ऐसी ज़्यादा नहीं है तो आप इसको सबसे नीचे रख सकते हो। और इसका प्रैक्टिकल यूज़ अभी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जो भी चैनल पर पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और भी कई सारी वीडियोज़ वेन्यू की मेरे चैनल पर पहले से ही डली हुई हैं। तो बेसिकली इसको एक सेंस में ये ऑटोमेटिक दे दिया गया है अगर आप एक ही डाउन करके इसको यूज़ करते हो, वरना आप ऐसे तो इंटेंसिटी बढ़ाई सकते हो। तो प्रैक्टिकल यूजेज अब आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ रही है, और जिसको डिफॉगर की प्रॉब्लम आती है, डिफॉगर की वीडियो पहले से ही चैनल पर डली हुई है, तो यहीं कहीं आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो मैं आपको सनरूफ का व्यू दिखा देता हूँ, कितना प्यारा लुक आ रहा है, इसी चीज़ के तो पैसे हैं। और पीछे के ग्लास विंड पे शील्ड एरिया पे भी काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही है। तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि इसको हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और कैसे इसीलिए काम में ले सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इधर लिखा हुआ है मिस्ट ऑफ इंटरवल लो और हाई, तो इसका बेसिकली ये उल्टा ही मतलब है। इसको अगर आप एक बार ऊपर करोगे गाइस, तो देखिए मैं इसको एक बार ऊपर कर रहा हूँ, तो एक बार अगर अपन ऊपर करेंगे, मैं एक और बार करता हूँ, तो एक बार हम ऊपर करेंगे तो मतलब इसका ये फायदा है कि जैसे ही आपको लगे कि ज़्यादा बारिश आ रही है तो कम बारिश आ रही है तो आप सिर्फ एक बार मिस्ट कर सकते हैं ऐसे, तो ऐसे वो ग्लास एरिया पूरा क्लीन कर देता है और काफ़ी पावरफुल मिल जाते हैं वेन्यू के वाइपर्स हमको। और मैं आपको ये बेसिकली ये जो स्लाइडर दिया हुआ है शिफ्ट करने के लिए, अगर आप एक बार इसको नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं वाइपर काफ़ी फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं, क्योंकि ये अब सबसे हाई पे हुआ है, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया था कि इसका सबसे मतलब उल्टा है। अगर आप इसको सबसे नीचे रखोगे तो सबसे ज़्यादा इंटर मतलब टाइम लेगा ये घूमने में। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अब सबसे लो पे कर रखा है और अब देख सकते हैं आप अभी तक ये घुमा नहीं, और अब जाके घुमाए ये, आप देख पा रहे होंगे। एक और बार देखिए, अब ये काफ़ी टाइम लेकर घूमेगा। तो बेसिकली इस नॉब को अगर आप सबसे नीचे कर दोगे तो सबसे ज़्यादा इंटरवल लेगा, और भाई मैं इसको सबसे हाई पे कर देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी वाइपर रोटेशन ले रहा है, तो बेसिकली इसका उल्टा ही मतलब है। अगर आप सबसे नीचे कर दोगे तो मतलब बहुत टाइम में इंटरवल लेगा, और ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आप बीच में भी सेट रख सकते हो, मतलब ज़्यादा इंटरवल नहीं चाहिए, और अगर सबसे तेज चाहिए तो आप सबसे ऊपर रख सकते हो। और पीछे के वाइपर्स के कंट्रोल में समझा देता हूँ आपको, ये बेसिकली ये आप देख पा रहे हैं पीछे के लिए ये ऑफ, मतलब ये ऑफ है, इसके बहुत सिंपल से वो हैं। अगर मैं इसको ऐसे ऑन पे कर देता हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे का वाइपर चलने लग गया है, और जैसे ही मैं इसको ऑफ पे कर दूंगा तो ये पीछे का वाइपर बंद हो जाएगा। और अगर आपको पीछे का वाइपर क्लीन करना है तो बेसिकली आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो पानी आ जाता है और ऑन करके वो साफ़ हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए पीछे अब वाइपर से पानी आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे इसको हम क्लीन कर सकते हैं और बेसिकली ऐसे कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और अगर आपको ये स्नॉब से कंट्रोल नहीं करना है कम ज़्यादा का, तो आप बेसिकली इसको स्लाइड करके भी कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस हैं स्लाइड्स के, आप देख सकते हैं। अब तो ये इंटरवल ले गई क्योंकि मैंने सबसे नीचे कर दिया। अगर आप इसको एक और बार नीचे कर दोगे तो ये तेज घूमने लग गया है, आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं इसको सबसे नीचे कर दूंगा, सबसे नीचे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, विंडशील्ड पे प्रॉपर वाटर आ जाने दीजिए। तो अगर मैं इसको सबसे नीचे कर देता हूँ, अब देखिए मैंने सबसे नीचे कर दिया और कितनी फास्ट हो रहा है। तो इतनी फास्ट तो मुझे चाहिए नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको डाउन कर दिया है। और आप देख पा रहे होंगे, तो ऐसे कुछ हमें बेसिक्स कंट्रोल मिल जाते हैं। आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि मॉनसून सीजन चल रहा है, तो आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि इतने सारे किस चीज़ के कंट्रोल हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो काफ़ी शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।